पढ़ रहा हूँ मैं तो यार। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, कौन सी जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं? ये है गांव खांबी, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा। और विधानसभा क्षेत्र? विधानसभा क्षेत्र होडल। होडल। तो श्याम सुंदर जी, क्या है इस बार माहौल, क्या है पहले तो ये बताएं, 5 सालों में कोई काम वाम हुआ नहीं हुआ, विकास कार्य हुए नहीं हुए? नहीं, विकास कार्य तो हुए हैं, ये दिख रहे हैं विकास कार्य। हमारे गांव खांबी में काफ़ी कार्य हुआ है, हमारे जो जिला परिषद हैं उन्होंने भी काम किया है और बीजेपी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इससे हम क्रेडिट नहीं देंगे उदय भान जी को? नहीं, उनको क्या क्रेडिट देंगे, क्योंकि विधायक से काम करवाया उन्होंने? नहीं, उनके थ्रू कोई काम नहीं, उनके उन्होंने कोई काम नहीं। किसके थ्रू हुआ काम? ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो हमारे जिला परिषद हैं भोलू, उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। अच्छा, तो अभी चुनाव में क्या लग रहा है, क्या रहने वाला है इस बार? लग तो ये रहा है जी, बीजेपी सरकार ही आएगी। बीजेपी सरकार आएगी जी, क्योंकि इसमें जो कार्य हुए हैं वो एकदम पारदर्शिता रही है, सभी लोगों को पता है कि कितने कार्य हुए हैं और किसके माध्यम से कार्य हुए। ठीक कह रहे हैं भाई, बिल्कुल जायज बोल रहे हैं जी। क्या शुभ नाम आपका? विजेंद्र नाम मेरा जी। विजेंद्र जी, हाँ जी, ठीक कह रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नौकरी हमारे कभी भी उतनी ना लगी जितनी अब की लगी है खांबी से। अच्छा, इतने 5 साल में कभी भी नौकरी ना लगी, और मतलब फेयर सिलेक्शन। अच्छा, हाँ, कितने बच्चे लगे हमारे यहाँ से? लगे कम से कम 18, कम से कम 100 तो ऊपर बालक लगे हो जी आपके खांबी से। हाँ जी, 100 बच्चों से ऊपर हैं, काउंटिंग तो फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन 100 से ज़्यादा लगे। अच्छा, बिना खर्ची बिना पर्ची। क्या नाम आपका? त्रिलोक चंद जी। एक तो ये हो गया रोजगार, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई है, पर रोजगार तो है नहीं सरकार। सर कैसा नहीं है रोजगार, किसको कहते हो आप रोजगार? जब हम नौकरी के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत देते थे तब रोजगार मिलता था हमको, रोजगार ही अब का मिला है, सरकारी अब के मिली है। देश को प्रधानमंत्री अब तक तो 1947 से आज़ाद हुआ है ना, तो मिला, और फ्यूचर के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं सर मोदी जी जैसा इंसान। चाहू वो प्रधानमंत्री पे होगा चुनाव या ये उस पे होगा? नहीं सर, ये आप समझो, जब सेंटर ने काम किया अच्छा तो हमारी राज्य सरकार भी तो काम अच्छी करेगी, सेंटर गवर्नमेंट के अंडर ही तो राज्य सरकार काम करती है सर। तो हमारे सीएम साहब ने फेयर सिलेक्शन किया, सबसे प्रशंसनीय काम, गरीबों के बच्चे तो अब की बार लगे, पहले तो जो MLA MP के आदमी थे उनके लगते थे, या जिनकी जेबों में 10-20-50 लाख रिश्वत के होते थे सर वो लगते थे, ऐसे गरीब बच्चे मिले लगे हैं अब की बार। अब आपको मैं अभी मिला देता हूँ, कम से कम 20 बच्चे हैं ऐसे, फेयर सिलेक्शन। ठीक कह रहे हैं, बढ़िया। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, क्या करते हैं विनोद जी आप? सफाई कर्मचारी। ये मोदी जी हैं हमारे। क्या है माहौल, लग रहा है आपको कि कोई ठीक काम करें बीजेपी ने? बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम, और करेंगे भी। अच्छा, जो अब जितना किया था अच्छा ही किया है, और बढ़िया बालक लगे हैं गरीबों के। उदय भान है जी, जगदीश नायर। भाई साहब आप भी बताओ कुछ। हाँ जी, आओ। क्या नाम आपका? नीचे आ जाओ, यहाँ आओ। क्या महेंद्र जी? महेंद्र, महेंद्र जी, महेंद्र जी हाथ में लग गई आपको। क्या चल रहा है इस बार माहौल? मोदी। यहाँ नायर। अच्छा, अभी तो ज्वाइन करी इन्होंने पार्टी? कोई बात नहीं, लोकप्रिय आदमी हूँ। अच्छा, जीत जाएंगे 100%। मस्ट बी डन। यस सर, 100% मस्ट बी डन, नॉट श्योर। बहुत अच्छे नेता हैं जी, हमारे क्षेत्र के भलाई के विषय में सोचते हैं सर। जो हमारे आप क्या कहते हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश नाम है जी मेरा। चंद्रप्रकाश जी, तो चंद्रप्रकाश जी, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहने वाला है इस बार? इस बार 100% बीजेपी आना है। 100% मोदी है जी। मोदी के नाम से किसानों के लिए काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये या 6 हज़ार रुपये आ चुके हैं सबके खाते में, वो मतलब निकम्मा नहीं बना रही है सरकार, ये सहयोग देती है ना कि निकम्मा। ये नहीं कि लोन माफ़ कर दिया, पे वो माफ़ कर दिया, उससे तो निकम्मा बनता है। आज तक कांग्रेस ने ये तो बनाया है, हम लोगों को बिल्कुल निकम्मा बनाया है, क्योंकि हर चीज़ फ्री में मिले, लेकिन ये फ्री में नहीं, मेहनत करके खाने कमाने के लिए। आंदोलन हुआ ये 35 बिरादरी 36 बिरादरी का हल्ला मचता रहा पूरे हरियाणा में 3 साल पहले जो, इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ना बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि अब की बार देखो यहाँ पे एक भी MLA ना होते हुए पलवल क्षेत्र जिले का, उसके बावजूद भी इतना विकास कार्य किया है। इससे पहले ऐसा होता था कि यहाँ का अगर MLA नहीं बना तो कोई पैसा नहीं आता था, अब की बार विदाउट MLA के बहुत पैसा आया यहाँ पर। मैं अपने गांव की कहूँ, मेरे गांव में मतलब इतना पैसा लगा, बहुत करोड़ खामी गांव है मेरा, बूस्टर बने, एक हर एक चौपाल बनी है यहाँ पर, बहुत कुछ पैसा लगा, बहुत विकास हुआ। ठीक कह रहे हैं, आओ ना फिर यहाँ, आओ ना, आओ आओ। क्या नाम आपका? मेरा नाम नारायण है जी। नारायण? हाँ जी। नारायण, थोड़ा सा आगे आ जाओ बस। क्या है माहौल इस बार? माहौल ठीक है जी। ठीक है? हाँ जी। बनेगी बात कुछ? हाँ जी। कौन आएगा इस बार? इस बार BJP आनी चाहिए जी। फूल खिलेगा? फूल खिलेगा। अच्छा, तो नायर ने तो अभी ज्वाइन करी पार्टी? अब ऐसा ही है जी, फिर भी जीत जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता सर, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता है, क्या फर्क पड़ता है? हम अगर आप मैच्योर है, हमें तो सही पार्टी में आ गए, क्षेत्र की आवाज थी सर, जगह ही उसको अब मिली है, सही पार्टी अब मिली है, ईमानदार आदमी को ईमानदार पार्टी। अपने राम रतन ठीक नहीं थे? नहीं राम ठीक थे सर, लेकिन देखो मैच्योरिटी की बात है, लोकप्रियता की बात है। नहीं रो तो पड़े थे, लेकिन राम रतन की अलग बात है जी, नायर साहब की अलग बात है। नायर साहब जो सोचते हैं वो और नेता नहीं सोचता। ग्राउंड लीडर है नायर साहब, ग्राउंड लीडर है नायर साहब। जब भी हमारे कोई विपता आती है तो घर आते हैं, आंसू पहुंचते हैं। ऐसे ऐसे हमने ले रहे हैं, हमारे यहाँ एक ऐसा कांड हुआ, मैं कहना नहीं चाहता प्रेस के सामने, तो उन्होंने कांग्रेसियों ने खुलेआम, हमारा तो नाम ही वॉइस ऑफ फ्रीडम है, वॉइस ऑफ फ्रीडम। एक हमारा जुनेद हत्याकांड हुआ था यहाँ सर, आपने देखा होगा, अभी 2 साल पहले, तो उसमें हमारे 35 बच्चे अपने हमारे घर से उठा लिए गए, किवाड़ तोड़ तोड़ करके। हमारे उदय भांजी की सभी थे MLA, क्यों नहीं आए हमारे पास? क्या किया हमसे पूछते तो सही, आपके अपराध किया तो हमारे साथ मत देते, अगर हमने अपराध नहीं किया तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं दिया? कांग्रेस वालों ने उन्हीं का साथ दिया, केरल से आए, कहाँ से आए और कहाँ कहाँ का पैसा दे दिया। एक जुनेद मरने के बाद तो इतना हाई हुल्लड़ कर दिया, हमारे हिंदू इतने मर जाते हैं। उसी टाइम हमारी एक लड़की मरी थी दिल्ली के अंदर, मुंह नहीं देखा, उन बच्चों को रात को उठा लिया जो खेती कर रहे हैं, मतलब कच्चे बुनियाद में सो रहे हैं, उनको वैसे उठा के ले गए, जो कभी सिटल में भी नहीं गए उनको उठा लिया गया। तो ये अन्याय नहीं था क्या? क्या एक MLA होने के नाते उदय भवन का काम नहीं था क्या? मतलब आने का अपने क्षेत्र में आए और देखे जनता को, जनता के साथ आए और जगदीश नायर अड़के खड़ा हुआ था, साथ था हमारे हर तरीका से, तो क्यों नहीं देंगे उसको वोट? वो सब निर्दोष ही थे, निर्दोष बंदे थे जो वो जितने भी थे। अब पता नहीं बाकी, वैसे वो मतलब गुंडा भी जुनैद ने बुलाए थे, हमारे कोई गुंडा नहीं थे, हमारे तो मतलब बुजुर्ग थे वो, जिनने जो पकड़े गए, जो सजा भी काट के आए 5-7 महीना के, 1 साल की, वो निर्दोष थे सर। एक इंस्पेक्टर की जॉब करता हो दिल्ली के अंदर, क्या वो लड़ने को थेगा? और जिसकी उम्र भी 45 से अबव हो, जो बच्चे हाई क्लासिकल की वो ले रहे हैं कोचिंग IAS बनने के लिए, क्या वो बच्चे सिटल में जाकर गुथेंगे सर? जो बच्चे MSc करके जॉब ले रहे हैं, MTech करके, क्या वो गुथेंगे सर? वो जानते नहीं लड़ाई झगड़े के बारे में, जो इस तरह से सारे निर्दोष बच्चों के साथ ऐसा हुआ। और ये गलत 60 बच्चे लगे, 60 बच्चे, 60 बच्चे 100 बता रहे थे, 100 तो ऊपर वाले लगे, 100 हम बच गए, बाकी आज रोटी है, कल नहीं है, आज खाने को है, कल खाने को नहीं है, ऐसे बच्चों को नौकरी मिली। गरीबों के बच्चे तो लगे ही सरकार में, पहले तो अमीरों के पर्ची से लगते थे बच्चे, अब फ्री में लगे। मेरे खुद का बच्चे बिना पैसा के, बिना सोर्स के पुलिस में गया, पुलिस में लगा, सिपाही भर्ती हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी।